नमस्कार, मैं मोनिका आपका स्वागत करती हूँ एस लाइन न्यूज चैनल के विशेष कार्यक्रम सत्ता की सतरंज में। गुजरात में चुनावी माहौल जम गया है। इस बार गुजरात में दो नहीं तीन पार्टियां चुनावी जंग में छिड़ी हुई है, भाजपा, कांग्रेस और आप। आपकी जो बात की जाए तो दिल्ली, पंजाब और अब गुजरात। दिल्ली की जो बात की जाए तो सबसे पहला नाम आता है अरविंद केजरीवाल जी का, जिसमें कहा जाता है कि राजनीति के समीकरण वो किसी के बनाए हुए नहीं पे चलते, वो अपने समीकरण खुद बनाते हैं। तो गुजरात की राजनीति के बारे में वो क्या सोचते हैं, वो भी जानने का हम आज प्रयास करेंगे। तो हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और साथ में गुजरात का वो चेहरा जिन्होंने आपका जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा है ईशुदान गढ़ी जी, वो आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो हम आपका स्वागत करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए ये रहेगा कि आपने जितनी गारंटियां दी है, गारंटियां कार्ड दी है, उसपे गुजरात के लोग क्यों भरोसा करें? क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ वो दिल्ली में करके आया हूँ, पंजाब में करके आया हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं आपका बिजली का बिल जीरो कर दूंगा और 24 घंटे बिजली आएगी, मुफ्त में आएगी। दिल्ली में लोगों को मुफ्त बिजली मिलती है, पंजाब में लोगों को मुफ्त बिजली मिलती है, उनका बिजली का बिल जीरो आता है। तो आज महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, गुजरात के लोगों से जब मैं बात करता हूँ उनके घर का खर्चा नहीं चल रहा। 25 तारीख को, 20 तारीख को सारी कमाई ख़त्म हो जाती है, उसके बाद समझ नहीं आता घर का खर्चा कैसे चलाएं। तो अगर बिजली का बिल जीरो हो जाएगा तो उनके घर में कुछ पैसा बचेगा। तो 1 मार्च के बाद से गुजरात के लोगों की बिजली मुफ्त हो जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद। मैं उनको कह रहा हूँ कि स्कूल बनाएंगे आपके बच्चों के लिए शानदार, और ऐसे स्कूल बनाएंगे कि आपको प्राइवेट में अपने बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दिल्ली में हमने बहुत अच्छे स्कूल बनाए हैं, आपके बच्चों को मैं डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, अच्छा भविष्य दूंगा, दिल्ली के बच्चों को दे रहा हूं मैं। आपके लिए शानदार हॉस्पिटल बनाएंगे, दिल्ली में हमने बहुत हॉस्पिटल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आपका पूरा इलाज आपके परिवार का मुफ्त कर देंगे, चाहे 5 रुपये की गोली हो और चाहे 15 लाख रुपये का, 20 लाख रुपये का ऑपरेशन हो, सब कुछ मुफ्त कर देंगे। आपके बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। दिल्ली में मैंने 12 लाख बच्चों का को रोजगार का इंतजाम करके दिया, जब तक रोजगार नहीं मिला बेरोजगारी भत्ता देंगे आपके बच्चों को। तो ये सारी चीजें जनता को लग रहा है कि आज तक कभी बीजेपी ने ऐसी बात ही नहीं की, आज तक कभी कांग्रेस ने ऐसी बात ही नहीं की, स्कूल, अस्पताल, बिजली कभी की नहीं, किसी ने बात नहीं की। लोगों को ये बहुत अच्छा लग रहा है। केजरीवाल जी, तो हमें ये बताइए कि जब ये जो मुफ्त की जब बात आती है तो भाजपा कहती है कि गुजरात की जो जनता है वो मुफ्त का कुछ नहीं लेगी और इन्हें नाम देती है रेवड़ी का, उसके बारे में क्या सोचते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर इस देश के अंदर कोई बच्चा पैदा हो उसे अच्छी और फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, ये तो राष्ट्र निर्माण का काम है। अगर कोई हमारे देश में बीमार हो तो उसे अच्छा और फ्री इलाज मिलना चाहिए, ये तो राष्ट्र निर्माण का काम है। जब आप कहते हो फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी, आप इस देश के लोगों का अपमान करते हैं। जितने नेता हैं उन नेताओं को फ्री बिजली मिलती है, उसमें उनको कोई तकलीफ नहीं है। एक एक नेता को 4,000 यूनिट महीने की फ्री बिजली मिलती है। मैं बोलता हूँ जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलनी चाहिए तो ये सारे मेरे को गालियां देने लगते हैं। मैं इनके सारे नेताओं का सारा इलाज अमेरिका में जाके इलाज करा के आते हैं, फ्री में करा के आते हैं। मैं कहता हूं कि यहाँ के हॉस्पिटल में अच्छा हॉस्पिटल बनाऊंगा आपके लिए, फ्री का इलाज करूंगा, तो ये सारे मेरे को गालियां देते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि एमपी और एमएलए को ये जो जितनी फ्री में जो सुविधाएं मिल रही है, मुफ्त की सुविधाएं, वो मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जनता को भी मिलनी चाहिए, मंत्रियों को मिलती है, एमपी को मिलती है, एमएलए को मिलती है, सब बड़े खुश हैं। जैसे केजरीवाल बोलता है कि ये सारी सुविधाएं मैं जनता को भी दूंगा, सारे मेरे को गाली देते हैं, ये गलत बात है। अच्छा, ये बात हो गई आप जो वचन दे रहे हैं उसकी, साथ में बात करते हैं गांधीनगर की, कि गांधीनगर में कई आंदोलन हुए पिछले दिनों, आपने देखे सारे आंदोलन, आप जानते हैं उसके बारे में। तो आपको क्या लगता है कि अगर आपकी सरकार आ गई तो आप इतने सारे आंदोलनों को कैसे फेस करेंगे, कैसा उसको सॉल्यूशन कैसे लाएंगे? उन सबकी डिमांड जेन्युइन है। पुलिस वाले आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांग आज पूरे देश में सबसे कम तनख्वाह पुलिस वालों की है और कच्चे में पुलिस वालों को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ है। उनकी सारी मांगे जायज हैं, हम उनकी मांगे पूरी करेंगे।
जितने स्टेट कर्मचारी हैं उनकी मांगे जायज हैं, कच्चे कपे काम कर रहे हैं 5-5 साल, उनको सबको पक्का करेंगे। अभी अभी पंजाब के अंदर कई हजार कर्मचारियों को पक्का किया है। जितने टीचर्स हैं वो यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हड़ताल कर रहे हैं, होमगार्ड्स हड़ताल कर रहे हैं, आशा वर्कर्स हड़ताल कर रहे हैं, ये जितने कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं इनकी सबकी मैंने मांगे समझी हैं। और ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं वो कर्मचारी, उनकी सबकी मांगे पूरे करेंगे हम लोग। हमारे साथ जुड़े हैं यशुदान जी, तो उनको अब तक हमेशा ये सवाल आपसे होता रहा है कि भाई गुजरात मॉडल और दिल्ली मॉडल में क्या फर्क है। आज मैं यशुदान जी से ये जानना चाहूंगी कि आपको क्या फर्क लगता है। देखो, यहाँ गुजरात मॉडल नहीं है, भाजपा का मॉडल है और वहाँ आम आदमी पार्टी का मॉडल है दिल्ली में। देखो, 27 साल में भाजपा ने क्या किया, आपने देखा होगा, करप्शन की वजह से ब्रिज टूटता है, 150-150 लोगों की मौत होती, कोई जेल में नहीं जाता, ये भाजपा का मॉडल है। पिछले 3 साल में 6,000 स्कूलें बंद होती है जहां गरीब के पढ़ते हैं, कोई बड़े उद्योगपति के बच्चे नहीं पढ़ रहे, वो भाजपा का मॉडल है। यहाँ महंगाई आसमान पे है, किसान को दाम नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, ये भाजपा का मॉडल है। उसी तरफ दूसरी तरफ आप देखो अरविंद केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी का, दिल्ली का। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मॉडल ये है कि पिछले 7 साल में हजारों अच्छे स्कूलें हुए जहाँ प्राइवेट से भी अच्छी शिक्षा मिलती है, उससे आगे आप देख लीजिए वहाँ पे सब कुछ फ्री दिया जाता है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, स्वास्थ्य के लिए सब इलाज फ्री है, महिलाओं को बस सुविधा फ्री है, सब कुछ फ्री है। फिर भी हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की जो प्रॉफिट में चढ़ रही है, और गुजरात में कुछ भी फ्री मंत्रियों के अलावा नहीं है, मंत्रियों को है सब कुछ। 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। अब देख लीजिए, ये मॉडल है भाजपा का और ये आम आदमी पार्टी का। और मुझे ये फर्क लग रहा है कि आम आदमी का जो भी अरविंद केजरीवाल जी का जो अरविंद का मॉडल है वो है कि जितने भी टैक्स के पैसे आते हैं उसको अच्छी तरह से जनता में वापस कैसे भेजे जाए। और भाजपा का ये मॉडल कि जितने भी टैक्स के पैसे हैं वो खुद आधा खा जाते हैं, ये मॉडल है। केजरीवाल जी, गुजरात की जो बात की जाए तो गुजरात में अभी ऐसा माहौल है कि भाई सारी पार्टियां पार्टीदारों के जो वोट बैंक है उनको संभालने में लगी है। तब आपने यशुदान जी का एक चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पे प्रेजेंट किया और ओबीसी वोट बैंक को संभाल लिया, ऐसा आक्षेप आप पे लग रहा है, तो जो रूठे हुए पाटीदार है उनको कैसे मनाएंगे? हमारे अध्यक्ष पाटीदार है, पार्टी के जो अध्यक्ष है वो पाटीदार है, पाटीदार भी खुश है, ओबीसी भी खुश है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इस किस्म की कास्ट वाली राजनीति करता नहीं हूँ। हम लोग बिजली मुफ्त करेंगे, सबकी बिजली मुफ्त करेंगे, पाटीदार की भी, ओबीसी भी की भी, ब्राह्मण की भी, क्षत्रिय की भी, सबकी बिजली मुफ्त करेंगे, एसटी की भी, दलित की भी। हम स्कूल बनाएंगे, सबके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे, हम अस्पताल बनाएंगे, सबको फ्री दवाइयाँ देंगे, सबको अच्छा इलाज देंगे। तो हम जाति की राजनीति करते नहीं हैं। आपने एक वादा ऐसा भी किया है कि भाई यहाँ पे बेरोजगारी है जिसको आप हटाएंगे, 10 लाख रोजगार देंगे, कैसे? दिल्ली में मैंने 12 लाख रोजगार दिए 5 साल में, मुझे रोजगार देने आते हैं। यहाँ भी हम 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे और हर घर में हर बच्चे को रोजगार देंगे जो जो बेरोजगार है। और जब तक रोजगार नहीं मिलता, हर बच्चे को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा 3,000 रुपए महीना। साथ में नॉट पे श्री गणेश का जो आप लाए हैं, होना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए भगवान का, उसमें बुराई क्या है? नोट पे गणेश जी की और लक्ष्मी जी की तस्वीर लिखने से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन सबसे ज्यादा बीजेपी इसका विरोध कर रही है, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। यशुदान जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आप जहाँ से है वहां से आपके सामने बीजेपी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, दोनों ने अपने जो पूर्व धारा सभ्य थे वो आपके सामने मैदान में खड़े रहे हैं, तो क्या कैसी जंग रही है वहां? देखो, आम आदमी पार्टी की जहां एंट्री होती है तहां कास्ट बेस खत्म हो जाता है, वहां मुद्दों की राजनीति है। आपने देखा होगा दिल्ली में सब फ्रेश है, अरविंद केजरीवाल जी भी कभी MLA का चुनाव नहीं लड़े थे। आप पंजाब में चले जाओ, अभी 92 जीते हैं, उसमें से 82 सब फ्रेश है। अब हमारे भी सब देख लीजिए, सब फ्रेश हैं और ये सब चुन कर आएंगे, क्योंकि यहाँ अरविंद केजरीवाल जी का झाड़ू चलने वाला है, उसकी गारंटी चलने वाली है। यहाँ सब दिग्गज, जहाँ दिल्ली में भी दिग्गज घर पे बैठ गए थे क्योंकि बुजुर्ग हो गए थे, यहाँ पे भी CR पाटिल बुजुर्ग हो गए और उनको CM बनने का अवसर खा है। मुझे लग रहा है कि गुजरात की जनता समझदार है,
और उनको भी सबको घर पे बिठा देगी। अच्छा अरविंद केजरीवाल जी, जब भी आप पंजाब का भी इलेक्शन था तब आप कितनी सीट आएगी, आपने एक भविष्यवाणी की थी, मैं गुजरात के बारे में नहीं जानना चाहती, मैं स्पेशली सूरत से आई हूँ, मैं सूरत के बारे में जानना चाहती हूँ, जहाँ आम आदमी पार्टी के 27 कॉर्पोरेटर है प्रेजेंट में, तो आप मुझे वो आप लिख के दीजिए कि आप क्या कितनी सीटें आ सकती है। सूरत में हमने बोला था कुछ दिन पहले 9 सीट, 14 में से 8 से 9 बोले थे, 14 में से, हाँ नहीं 16 में से, 16 में से रूरल भी आ जाए, सबसे पहले आपको लिख के दे रहे हैं। ईशुदान जी, मैं पत्रकार हूं, तो साथ में एक सवाल जरूर आपसे पूछना चाहूंगी कि पत्रकारों के लिए अगर आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं गुजरात के, तो आपको पता ही है कि पत्रकारों की हालत क्या है गुजरात में, क्या करेंगे? मुझे तो, मेरी तो बिरादरी पत्रकार की है, मैं जानता हूँ उनको तो बहुत मुश्किल है, लेकिन किसानों की मुश्किलियाँ मैं जानता हूँ, बेरोजगारों की मुश्किलियाँ जानता हूँ, पत्रकार की मुश्किलियाँ जान रहा हूँ, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की मुश्किलियाँ जान रहा हूँ। मैंने 16 साल पत्रकारिता की, उसमें से 12 साल मैंने फील्ड पे काम किया है, मैंने गुजरात की एक भी ऐसी समस्या नहीं होगी जिस पर मैंने स्टोरी नहीं की होगी। तो सबको निश्चिंत रहिए, अगर ईश्वर मौका देता है, भगवान मौका देता है, तो ये 75 साल में नहीं हुआ डेवलपमेंट, और 75 साल में जिस तरह से इन लोगों ने बांटा है देश को, गुजरात को एक करके रहेंगे, मजबूत करके रहेंगे, 75 साल में डेवलपमेंट नहीं हुआ वो करके रहेंगे, वो आपको तब पता चलेगा जब पहली कैबिनेट होगी, सब समस्याओं का जवाब आपको मिल जाएगा। और ये अरविंद जी ने जो लिख कर दिया है, मैं आपको बताऊं, अरविंद जी ने पहली बार आपके पास ही सूरत की सीट लिख कर दी है, उसमें से उन्होंने लिखा है कि 16 में से 8 से ज्यादा सीट सूरत में अभी हम जीत रहे हैं। अरविंद जी, लास्ट में कुछ मैसेज देना वो चाहेंगे स्पेशली सूरत वासियों के लिए, गुजरात के लिए तो आप देते ही हैं, सूरत वासियों के लिए कि मैं सभी गुजरात के लोगों को भी और सूरत के लोगों को भी ये कहने जाता हूं कि गुजरात बहुत बड़े बदलाव की तरफ जा रहा है, ऐसा लगता है जैसे कोई दैवी शक्ति है जो काम कर रही है पूरे गुजरात के ऊपर। एक नई पार्टी कुछ महीने पहले आई और अचानक गुजरात के लोगों के दिल में बस गई, ऐसे लगता है कोई दिव्य शक्ति काम कर रही है। मैं सबको कहना चाहता हूँ, आप सब लोग इस बड़े बदलाव का हिस्सा बनी हैं, जो दूसरी पार्टियों का, आप अगर कांग्रेस को वोट देते थे तो कांग्रेस को वोट देना बिल्कुल बेकार है, कांग्रेस कहीं नहीं है टक्कर में, कांग्रेस को वोट दे के आप अपना वोट खराब करेंगे। अगर आप बीजेपी को वोट देते थे तो 27 साल हो गए बीजेपी को ट्राई करते करते, अब तो एक बार बदल के देखिए। तो सब लोग इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए, एक मौका दीजिए, इस बार अगर हम काम ना करें अगली बार आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा। तो दर्शक मित्रों, आपने सामने छुड़ाया हता दिलहीना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अरे आम आदमी नो ए चेहरों के जिन्हें मुख्यमंत्री तरीके प्रेजेंट करवामां आवे छे ईशुदान गढ़ी जी, तो तेमनो खूब खूब आभार मानिए छे, अने गुजरात नी जनता वती तेओ जे आशावाद सेवी रह्या छे, जे कही रह्या छे कि 16 थी वधारे, अरे 16 माथी 8 थी वधारे सीटो तेओ विजेता थशे, तो चोक्कस आवनारा समयमां फरी तेमने मळीए अने तेओ विजेता थाय तेवी आशा राखीए। थैंक यू, नमस्कार।